सो हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मेरा नाम है शाहनवाज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हजियान इंटरनेशनल। गाइस, बुल्गेरिया के लिए मेगा रिक्रूटमेंट है, मेगा हायरिंग है, बहुत सारी जॉब अवेलेबल है इस वक्त बुल्गेरिया के अंदर। बुल्गेरिया जाना चाहते हैं, यूरोप जाना चाहते हैं, और बुल्गेरिया जैसा कि आपको पता है शेंगेन का पार्ट होने वाला है, कैसे होने वाला है, कब होने वाला है, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो वीडियो को जो है कि लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइज, इसमें बहुत सारी पोजीशन है, वीडियो को स्किप मत करें। सो गाइज, ये बहुत ही अच्छा चांस है बुल्गेरिया यूरोप जाने के लिए। यूरोप जाना अगर आपका ड्रीम है, बुल्गेरिया से अच्छी कंट्री कोई नहीं है, थोड़ा सा जो कि बजट भी इसका कम रहता है, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि बुल्गेरिया शेंगेन का पार्ट होने वाला है बहुत जल्द। अगर आपको नहीं पता है थोड़ा गूगल करके देखिए, और यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई है बुल्गेरिया से रिलेटेड, उन वीडियो को भी देखिएगा। तो मैं बात कर लेता हूं कि क्या क्या पोजीशन। सबसे पहले तो ये हॉस्पिटैलिटी और होटल इंडस्ट्री से है जो रिक्वायरमेंट है, उसके बाद और भी दूसरी रिक्वायरमेंट है, तो वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। जो पहली पोजीशन है वो है कैम्बॉस की, ठीक है। सैलरी 800 से 900 यूरो, फूड अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल फ्री है, ठीक है, कंपनी प्रोवाइड करेगी। 5 डेज वर्किंग है, जो भी उसके बाद आप करते हो उसका आपको ओवर टाइम मिलेगा, ठीक है। वर्क परमिट वीजा रहेगा, ठीक है, TIC वगैरह सब कुछ कंपनी आपका करा करके देगी। उसके बाद हाउस कीपिंग अटेंडेंट, जो हाउस कीपिंग का नॉलेज जिनको है, बेसिक याद रहे कि इस काम में बुल्गेरिया के सारे काम में बेसिक इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है। बेसिक इंग्लिश अगर आपको आती है, अपना इंट्रोडक्शन दे पाते हो, या क्वेश्चन जो वहां से क्लाइंट करेगा तो आपको जो है कि जवाब देना पड़ेगा। इसमें जो सैलरी है वो है 500 यूरो, ठीक है। फूड अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, ठीक है, 5 डेज वॉकिंग है। उसके बाद कॉन्टिनेंटल कुक है, इसमें भी सैलरी जो है कि 600 यूरो है। क्वांटिटी जो है कि आपको मैं लास्ट में बता दूंगा, लगभग 100-200 बंदों की रिक्वायरमेंट है, अलग अलग पोजीशन में अलग अलग क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद जो है कि वेटर की है, वेटर की जो सैलरी है वो भी 500 यूरो है। फूड अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन फ्री है। उसके बाद बार टेंडर की है, आपको पता है बार टेंडर क्या है, बार टेंडर की भी सैलरी 600 यूरो है, 5 डेज वॉकिंग है, ठीक है। उसके बाद जो है कि पेस्ट्री शेफ या फिर बेकर जो ब्रेड वगैरह बनाता है, ठीक है, जो कि कप केक वगैरह जिसको आइडिया है वो बनाने वाला बंदा चाहिए, उसकी भी सैलरी 500 से लेकर के 600 यूरो सैलरी है। रिसेप्शनिस्ट, इसकी भी सैलरी 500 से 600 यूरो है। बेल बॉय, इसकी सैलरी 400 से 500 यूरो है। उसके बाद कुक, वापस इंडियन कुक है, 550 लेके 600 यूरो। फिर हाउसकीपिंग 450 लेके, मतलब अलग अलग क्लाइंट्स है तो अलग अलग जो है कि डिमांड्स भी है उसके अंदर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरी जो स्किल्ड, मतलब कि ब्लू कॉलर के अंदर आता है, ठीक है, लेबर, जनरल लेबर, आपको कोई भी काम दिया जा सकता है। 500 यूरो सैलरी है। वेल्डर 700 यूरो सैलरी है। मेटल फैब्रिकेटर 700 यूरो सैलरी है। असिस्टेंट कुक 500 यूरो सैलरी है। कुक की सैलरी जो 600 से 700 यूरो सैलरी है। क्लीनर 500 यूरो सैलरी है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन का काम करता है बंदा, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मेसन, इसकी भी 700 से 800 यूरो सैलरी है, ठीक है। लेथ मशीन ऑपरेटर की सैलरी जो कि 1200 यूरो है। CNC इरेक्शन सेटर जो रहता है उसकी भी सैलरी 1200 यूरो है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी पोजीशन है यूरोप में। अगर आपको थोड़ा बहुत काम आता है उसकी वीडियो बनाइए, ठीक है, वीडियो बना करके दे दीजिए। उसके बाद आपका क्लाइंट इंटरव्यू होगा, वीडियो कॉल के ऊपर इंटरव्यू दीजिए, सिलेक्शन होता है तो फटाफट आपका जो है कि काम हो जाए। ये जो प्रोसेस टाइम है पूरा, जो कि 2.5 से 3 महीने का प्रोसेस टाइम रहेगा बुल्गेरिया के अंदर, ठीक है। और ड्यूटी वही 8 से 9 घंटे की ड्यूटी, 5 दिन का काम है, उसके बाद जो है कि ओवर टाइम आपको अलग मिलेगा। बुल्गेरिया आपको एक गेटवे देगा शेंगेन कंट्री के अंदर एंट्री करने के लिए। आपको पता है बुल्गेरिया की वैल्यू क्या है, यूरोप की किसी भी कंट्री का वैल्यू क्या है, ठीक है। फास्ट प्रोसेस है, लो सर्विस चार्जेस है, ठीक है। तो अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं, यूरोप जाना आपका ड्रीम है, अगर आपकी पोजीशन इसमें मैं नहीं बोल पाया हूं तो अगले वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। आप एक बार कॉल करके जरूर बात करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, वीडियो के एंड में नंबर दिया गया है। आपको थोड़ा बहुत काम अगर आता है, अगर आप काम नहीं जानते तो काम सीख लो, वीडियो देखो, तुरंत PCC कराओ, PCC करा के तुरंत ऑफिस विजिट करिए। बेहतर है कि आप ऑफिस आकर के बात कर लीजिए, ऑफिस आओगे तो बहुत सारे रास्ते आपके लिए ओपन हो सकते हैं, ठीक है गाइस।
तो बुल्गारिया गेटवे है आपको शंघन में शिफ्ट होने के लिए, शुरू में आप जाओगे काम करोगे और ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत जल्द बुल्गारिया शंघन में भी आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो आपका ट्रेवल हिस्ट्री बहुत अच्छी हो सकती है और इसके बॉर्डर्स बहुत सारे शंघन कंट्री के बुल्गारिया से सटे हुए हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई रिक्वायरमेंट के साथ। आपको पेपर्स कैसे भेजना है वो मैं आपको बता, सीवी पासपोर्ट फोटो, उसके बाद जो है कि आपका पीसीसी एजुकेशन सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस लेटर, ये सारी चीजें आपको भेजनी है। इंटरव्यू में आपको बता दूंगा कब करना है, ठीक है। विदाउट पीसीसी आप एक बार फोन करके पीसीसी का अपॉइंटमेंट डाल करके हम आपका फिर आपका जो कि इंटरव्यू कराएंगे, वे करते कराते बहुत टाइम हो जाता है। आप रेडी रहोगे इधर, वीडियो देखो, वीडियो देख करके फटाफट आप जो है अपना पीसीसी का अपॉइंटमेंट ले लो, अपॉइंटमेंट की स्लिप डाल दो, डाल करके सिंगल पीडीएफ बना करके आप हमें पेपर भेज दो। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वीडियो के एंड में नंबर दिया गया है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए रिक्वायरमेंट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।